हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनु शर्मा। सो वी आर हेयर टू डिस्कस सम वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड टू योर ऑल केएसएसबी एसएससी एग्जामिनेशंस। योर फीमेल सुपरवाइजर जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एंड पटवारी एंड फॉरेस्ट्री एग्जाम्स। लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर टूडेज करंट अफेयर्स। P-800 ऑनिक्स मिसाइल रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ डेवलप्ड बाई विच कंट्री। ठीक है, तो P-800 ऑनिक्स मिसाइल जो है वो किस कंट्री ने रिसेंटली जो है वो डेवलप की है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ चाइना, सेकंड ऑप्शन इज़ जापान, थर्ड ऑप्शन इज़ रशिया एंड लास्ट ऑप्शन इज़ इंडिया। ठीक है, तो P-800 ऑनिक्स मिसाइल जो है कौन सी कंट्री की है। सो दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ रशिया। ठीक है, तो रशिया की जो है मिसाइल है जिसका नाम है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसका नाम है P-800 ऑनिक्स या फिर ऑनिक्स। ठीक है, इट इज़ सेट टू बिकम द डेडलियर विद ए न्यू टारगेट सीकर। ठीक है, इसकी स्पीड जो है एक्सीडिंग 3000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इट इज़ टफ टू इंटरसेप्ट। ठीक है, और कहाँ पे ऑपरेट होगी ये, लो एल्टीट्यूड्स पे। ठीक है, इट बोस्ट अ रेंज ऑफ अप टू 300 किलोमीटर्स एंड ऑपरेट्स ऑन ए शूट एंड फॉरगेट प्रिंसिपल नीडिंग मिनिमम टारगेट डेटा फॉर सक्सेसफुल स्ट्राइक्स। ठीक है, तो ये है आपकी रशिया की ऑनिक्स सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम रिसेंटली सीन इन न्यूज इज डिस्कवर्ड बाई विच इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है वो किस इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन ने डिस्कवर किया है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM पुणे, सेकेंड ऑप्शन इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु IISc बेंगलुरु, थर्ड ऑप्शन इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ IIM लखनऊ एंड लास्ट ऑप्शन इज साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM पुणे। ठीक है, तो ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है वो दिल्ली के एयर पोल्यूशन के लिए है। ठीक है, किसने डेवलप किया है, IITM पुणे ने। ठीक है, और कब से रिज्यूम होगा, इन विल रिज्यूम इन सेप्टेम्बर विद न्यू फीचर्स। ठीक है, इट फॉरकास्ट दिल्ली एयर क्वालिटी एंड पोल्यूशन सोर्सेज। ठीक है, इंक्लूडिंग एमिशंस फ्रॉम दिल्ली एंड नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, और ये जो है इमिशन के इंटरवेंशन को एसेस भी करेगा और बायोमास बर्निंग को, इन चीज़ों को क्या करेगा, एसेस करेगा। ठीक है, लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2024 रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इंडियन गेमिंग रिपोर्ट 2024 जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है रिलीज़ की है। फर्स्ट ऑप्शन इज इंटरेक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल एंड विंजो, सेकेंड ऑप्शन इज ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन एंड एनिग्मा गेमिंग, थर्ड ऑप्शन इज इंडियन डिजिटल गेमिंग सोसाइटी एंड ब्लेज स्पोर्ट्स एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन एंड ड्रीम 11। ठीक है, तो इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2024 जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इंटरेक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेटिव इनोवेशन काउंसिल एंड विंजो। ठीक है, तो इसने इन दोनों ने क्या किया है, इसको रिपोर्ट को जो है क्या किया है, रिलीज किया है इंडियन गेमिंग रिपोर्ट को। ठीक है, और इसमें क्या दिखाया है इन्होंने, इंडियाज डोमिनेंस इन गेमिंग विद 568 मिलियन यूजर्स इंडिया लीड्स एज द लार्जेस्ट गेमिंग मार्केट ग्लोबली प्रोजेक्टेड टू हिट $6 बिलियन बाई 2028। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज स्टारगेट रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज़। तो स्टारगेट क्या है आपका, फर्स्ट ऑप्शन इज ब्लैक होल, सेकेंड ऑप्शन इज मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट, थर्ड ऑप्शन इज AI सुपर कंप्यूटर एंड लास्ट ऑप्शन इज न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। ठीक है, तो स्टारगेट क्या है आपका, सो दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज AI सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो ये किसने बनाया है स्टारगेट, बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड ओपन AI। ठीक है, इन दोनों ने मिलके जो है क्या किया है, $100 बिलियन प्रोजेक्ट जो है वो एम्बार्क किया है टू क्रिएट द स्टारगेट। ठीक है, जो क्या है हमारा AI सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो लॉन्च कब होगा, शेड्यूल फॉर लॉन्च इन 2028। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का एम क्या है, टू सरपास द एग्जिस्टिंग डेटा सेंटर्स कैपेबिलिटीज बाय 100 times। ठीक है, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टुडेज लास्ट क्वेश्चन। गोपालपुर पोर्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट।
तो गोपालपुर पोर्ट जो है वो आपका कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? फर्स्ट ऑप्शन इज़ उड़ीसा, सेकंड ऑप्शन इज़ आंध्र प्रदेश, थर्ड ऑप्शन इज़ गुजरात एंड लास्ट ऑप्शन इज़ केरला। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ उड़ीसा। ठीक है, तो अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैज़ एक्वायर्ड ए कंट्रोलिंग 95% स्टेक इन गोपालपुर पोर्ट। ठीक है, जो उड़ीसा में है, सॉलिडिफाइंग इट्स पोजिशन इन द पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक सेक्टर्स। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।